हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वैशाली। आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। ओके, अगर आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो इसमें क्या लिखा है? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? कोलिनियर क्या होता है? व्हेन पॉइंट्स आर इन सेम लाइन, दैट इज सेड टू बी कोलिनियर। मतलब सपोज करो आपको चेक करना है ए बी सी, ये कोलिनियर है और नहीं है। तो कोलिनियर का डेफिनेशन मैंने क्या बोला? व्हेन पॉइंट्स आर इन सेम लाइन, दैट इज सेड टू बी कोलिनियर। अब यू विल चेक पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, इज इट कोलिनियर? मतलब ये सभी सेम लाइन में है या नहीं है। मतलब आप क्या फाइंड करोगे? डिस्टेंस ए बी फाइंड करोगे और डिस्टेंस ए सी फाइंड करोगे। देन अगर डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ ए सी करने पे डिस्टेंस बी सी आ गया तो ये कोलिनियर होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? कोलिनियर इज नथिंग बट द पॉइंट्स आर इन सेम लाइन। मतलब आपको चेक करना है ए बी सी सेम लाइन में है या नहीं है। तो आपने सोचा अगर सेम लाइन में है तो वो कैसे प्रूव कर सकते? हम पहले स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, उसका एडिशन करेंगे, अगर हमको लार्ज डिस्टेंस मिलेगा तो ये हमारा कोलिनियर है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी सी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वन वाई वन, बी के एक्स टू वाई टू, सी के एक्स थ्री वाइट। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी एक्स, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। एक्स टू आपका है 2, एक्स वन आपका 1, वाई टू आपका माइनस 5, वाई वन आपका माइनस 3। नाउ 2 माइनस 1 1, माइनस 5 प्लस 3 1, माइनस 5 प्लस 3 विल बी योर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज योर 4, 1 प्लस 4 आपका आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ डिस्टेंस बी सी स्क्वायर रूट ऑफ वाई 3 माइनस वाई 2। नाउ यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला डिस्टेंस बट फॉर बी सी, सो प्लीज फोकस हियर। ये कैसे करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स थ्री माइनस एक्स टू का स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू का स्क्वायर। ओके, तो वाई थ्री हमारा क्या था? 7, वाई टू है माइनस 1, एक्स थ्री है माइनस 4, एक्स टू है 2। नाउ सिंप्लीफाई, दिस विल बी 7 प्लस 5, दिस माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6। नाउ 7 प्लस 5 वो आपका क्या होता है? 12, माइनस 6 का स्क्वायर एज इट इज, तो 12 का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ 144, 6 का स्क्वायर आपका 36, तो 144 प्लस 36 का एडिशन आएगा 180। अभी हम लोग 180 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो 2 9 जा 18, दिस 0 एज इट इज, 3 3 जा 9, दिस 0 एज इट इज, 3 1 जा 3, दिस 0 एज इट इज, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो हम पेयरिंग बनाएंगे, ये 3 का पैर हो गया, ये 2 का पैर हो गया, तो जिसका पेयरिंग पॉसिबल है उसको स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे। तो हमारा क्या आएगा? पेयरिंग में 3 है फिर 2 है बट 5 का पैर नहीं है तो उसको स्क्वायर रूट में, तो आंसर क्या आ गया? 3 2 जा 6, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ए सी। सो दिस विल बी एक्स थ्री माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन का स्क्वायर। एक्स थ्री आपका माइनस 4, एक्स वन आपका 1, वाई थ्री आपका 7 है, वाई वन आपका माइनस 3। माइनस 4 माइनस 1 आपका हो गया माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, सो 7 प्लस 3 दिस विल बी नथिंग बट 10 का स्क्वायर। सो 5 का स्क्वायर विल बी 25, 10 का स्क्वायर विल बी 100,
तो ये हो गया आपका 125. नाउ यू हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 125. सो 5 टू जा 10, 12 में से 10 गया तो 2. ओके सो दिस विल बी योर 25. सो 5 फाइव जा 25. अगेन 5 फाइव जा 25. 5 वन जा 5. जिसकी पेयरिंग पॉसिबल है उसको स्क्वायर रूट के बाहर, जिसकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है उसको स्क्वायर रूट के अंदर. सो 5√5 आपका आंसर आ गया. अभी आपने तीनों डिस्टेंस फाइंड किया, ए बी, बी सी, ए सी. नाउ ए बी प्लस ए सी करेंगे. अगर हम लोग को बी सी आएगा तो कोलिनियर है, अगर बी सी नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है. नाउ एड 1 and 3, दैट इज डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस ए सी. तो ए बी है स्क्वायर रूट ऑफ 5, ए सी है 5√5. तो यहाँ पे आपका क्या है 1 और ये आपका क्या है 5. 1 + 5 6√5. 6√5 आपका क्या है डिस्टेंस बी सी. ओके फ्रॉम 2. मतलब जब आपने ए बी और ए सी का एडिशन किया तो आपको क्या आ गया बी सी. देयरफॉर यू विल राइट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर. ओके तो कोलिनियर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले आप इसमें 3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए बी, बी सी, ए सी. देन ए बी प्लस ए सी चेक करना, अगर वो बी सी है तो कोलिनियर है, नहीं है तो कोलिनियर नहीं है. ओके नाउ L is -2, 3, M is 1, -3, N is 5, 4. ओके तो हम लोग को चेक करना है कोलिनियर है और नहीं है. तो कोलिनियर है या नहीं है का फर्स्ट स्टेप क्या था, डिस्टेंस फाइंड करेंगे. किसका किसका, LM का डिस्टेंस, MN का डिस्टेंस और LN का डिस्टेंस. ओके तो हम लोग को चेक करना है ये 3 पॉइंट एक लाइन में है या नहीं, L, M, N. ओके तो LM का डिस्टेंस, LN का डिस्टेंस हम एडिशन करेंगे, अगर हमें MN का डिस्टेंस आ गया तो वो कोलिनियर है. LM का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. ओके तो ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3. तो x2 आपका है 1 -2 का स्क्वायर प्लस y2 है -3 - 3 का स्क्वायर. 1 - - + तो 1 + 2 = 3, -3 - 3 - - + सो दिस विल बी 6, पर साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. सो दिस टू नंबर्स आर एग्जैक्टली सेम, सो दिस विल बी -6. 3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36. 9 + 36 आपका 45 होता है, 45 का स्क्वायर रूट. 3 ones are 3, रिमेनिंग 1. 3 5s are 15, अगेन 3 5s are 15. 5 ones are 5, जिसकी पेयरिंग पॉसिबल है उसको 3, जिसकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है उसको स्क्वायर रूट में. सो 3√5 विल बी योर डिस्टेंस ऑफ LM. नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस ऑफ MN. सो MN का क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का होल स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट. x3 है 5, x2 है 1, y3 है 4, y2 है -3. 5 - 1 = 4, 4 - - + तो 4 + 3 = 7. 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49. 16 + 49 आपका स्क्वायर रूट ऑफ 65 आएगा. ओके बट स्क्वायर रूट ऑफ 65 का सिंप्लीफिकेशन लाइक स्क्वायर रूट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. सो वी विल स्टॉप हियर. नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस ऑफ LN. ओके तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट.
तो एक्स थ्री है 5, माइनस माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट, तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2 7, 4 माइनस 3 1, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 49 प्लस 1 आपका 50 होगा। नाउ 50 का स्क्वायर रूट, सो दिस विल बी 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो जिसका पेयरिंग पॉसिबल है आउटसाइड द स्क्वायर रूट, नहीं पॉसिबल है इनसाइड द स्क्वायर रूट, तो 5 रूट 2 आपका डिस्टेंस है ln का। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, lm और ln के डिस्टेंस को ऐड करेंगे। अगर mn आया तो कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, तो lm प्लस ln का डिस्टेंस ऐड। lm आपका है 3 root 5, ln आपका है 5 root 2, जिसका एडिशन कभी भी रूट ऑफ 65 नहीं आएगा, इसलिए पॉइंट LMN कोलीनियर नहीं है। देयरफॉर यू विल राइट पॉइंट LMN आर नॉट कोलीनियर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आर 0.3, डी 2.1 एंड एस 3.-1। यू हैव टू चेक ये 3 पॉइंट्स कोलीनियर है और नहीं है। ओके, तो आर के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1, डी के x2, y2, एस के x3, y3। तो हम लोग को ये 3 पॉइंट को चेक करना है कोलीनियर है और नहीं है, तो आर। नेक्स्ट पॉइंट आपका है डी एंड एस। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस आर डी, डिस्टेंस आर एस एंड डिस्टेंस डी एस को फाइंड करेंगे। तो आर डी हमारा क्या है, इन अ स्क्वायर रूट x2-x1 का स्क्वायर प्लस y2-y1 का स्क्वायर। x2 है 2, x1 है 0, y2 है 1, y1 है 3। सो 2-0 आपका 2 होगा, 1-3 आपका -2 होगा। तो 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। ओके, ना 4 प्लस 4 आपका 8 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, दिस 2 1 जा 2, जिसकी पेयरिंग पॉसिबल है उसको स्क्वायर रूट के आउटसाइड में, तो 2, और जिसकी पेयरिंग पॉसिबल नहीं है उसको इनसाइड द स्क्वायर रूट, सो 2 root 2। नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस ds, तो ds का डिस्टेंस क्या होगा, x3-x2 का स्क्वायर प्लस y3-y2 का स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट। s x3 है 3, -2 का स्क्वायर प्लस -1-1 का स्क्वायर, 3-2 1, -1-1 विल बी -2, तो 1, -2 का स्क्वायर 4, तो 1+4 आपका 5, तो आंसर क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट आर एस हमारा क्या है, इन अ स्क्वायर रूट x3-x1 का स्क्वायर प्लस y3-y1 का स्क्वायर। x3 हमारा क्या है, 3, -x1 है 0, y3 है -1, y1 है 3, 3-0 3 का स्क्वायर, -1-3 -4 का स्क्वायर। ओके, सो 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, -4 का स्क्वायर आपका हो गया 16, 9+16 आपका क्या आ गया, 25। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 25 फाइंड करना है, वो तो बहुत इजी है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, अगेन ओनली वन पेयरिंग इज पॉसिबल, तो आपका आंसर आ गया 5। ओके, तो अभी हम एड अप करेंगे डिस्टेंस डी एस प्लस डिस्टेंस एस आर, अगर हमें ऐड करके थर्ड डिस्टेंस मिला तो कोलीनियर है। डिस्टेंस डी एस आपका कितना आया था, रूट ऑफ 5। डिस्टेंस आर एस आपका कितना है, 5, 5+√5, ये कभी भी आपका 2√√2 नहीं हो सकता है, मतलब ये 3 पॉइंट आपके कोलीनियर नहीं है। ओके,
So collinear is basically nothing but in this you have to apply distance formula step by step. हाँ, सबसे पहले जो आपको 3 points दिए हैं उन सभी points के एक दूसरे के साथ में distance को find कर लेना, ठीक है? फिर उसमें से किसी भी दो distance को add up करना. अगर आपको third distance मिलता है तो वो collinear है, अगर नहीं मिलता है तो वो collinear नहीं है. That's it. इसके अलावा इसमें कोई भी और concept नहीं है. Hope so you are clear with your doubts. Then also if you have any single doubt you can ask me in a comment section. I will reply you as soon as possible. If you like the video please like, share and subscribe. Thank you.